और भाई जो जो महेंद्र स्कॉर्पियन के लवर्स है मत देखना वीडियो, तुम्हारी क्लस की बहुत ज्यादा फुकने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को आगे मत देखना क्योंकि मैं उसकी बुराई भी करूंगा इसे कंपैरिजन के साथ। तो भाई कंफ्यूज हो कि टाटा सफारी प्योर प्लस एस डागे डिजाइन में लेना चाहिए या नहीं, कैसी है कंफर्ट में, कैसा है स्पेस और कैसा है माइलेज, तो आओ चला के करते हैं इस कंफ्यूजन को दूर। सो भाई ये है आपकी पब्लिक गैराज की सेरेमिक कोटिंग स्प्रे, इंडिया की सबसे सस्ती भाई कोटिंग, और अगर इसको आपने लगा डाला ना भाई तो आपकी गाड़ी की लाइफ हो जाएगी जिंगा लाला, इतनी मस्त शाइनिंग देती है और लॉन्ग टर्म तक आपका भाई जो पेंट क्वालिटी है उसको मेंटेन रखती है। अब काफी लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि यार हम COD करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको Amazon Flipkart दोनों पे अवेलेबल करा दिए, वहां जाके आप COD या प्रीपेड दोनों कर सकते हैं। सो भाई बैठे हैं टाटा सफारी प्योर प्लस है डार्क एडिशन के अंदर, क्या मस्त शाइनिंग आ रखी है भाई, पब्लिक गैराज की सेरेमिक कोटिंग है मस्त चीज वैसे। बाकी भाई इससे पहले मैंने काफी वीडियोस डाली हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब चीजें बताई हैं और शायद अभी और चीजें निकल के आएंगी। 13,500 किलोमीटर मैंने चला चुका हूँ गाड़ी, और काफी इंस्टाग्राम पे DMs आ रहे थे कि यार प्लीज आप इसके ऊपर रिव्यू लेके आइए कि गाड़ी चलने में कैसी है, हमें कंसिडर करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरी एक वीडियो मैंने डाली थी नेगेटिव पॉइंट्स, काफी लोगों ने अपना डिसीजन मेकिंग ही चेंज कर दिया कि यार हम तो नहीं ले रहे, हमने बुकिंग करवाई है तो कैंसिल कर दें हम, या कैंसिल कर दें, बहुत लोगों ने कैंसिल भी कर दी और कुछ प्लान कर रहे हैं कैंसिल कर दें। तो भाई ये वीडियो जरूर देखना, एट एंड अपना डिसीजन बताऊंगा, फिर उसके बाद अपना ओपिनियन, जो भी आप डिसीजन मेकिंग करो टाटा सफारी लेने को आप जरूर उसको पक्के से एकदम मेक श्योर हो जाना कि आपको लेनी है या नहीं। मैं एग्जैक्टली सब चीजें अब इसकी सच बताऊंगा, बेसिकली अब बात बताऊं तो आज मैं इसके जो चीज मुझे अच्छी लगती है, अब कोई भी चीज क्यों ना हो अच्छाई बुराई दोनों चीजों की होती है, इसकी मैं अच्छा ही बताने वाला हूं आज, क्योंकि काफी लोगों ने ना यार मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी वीडियो के थ्रू इसकी जो बुकिंग्स है वो कैंसिल कर दी है। तो जैसे मुझे स्टार्टिंग में पता था यार, मुझे स्टार्टिंग में पता था कि लैग्स वगैरह टेक्निकल इशू देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो सब चीजों को बाद मैंने गाड़ी ली है क्योंकि अब वो इतने देखने को नहीं मिलते जितने स्टार्टिंग में मिले थे। तो सबसे पहले जिस दिन गाड़ी ली थी उसी दिन टेक्निकल इशू आ गया था, क्लच वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा था, बट फिर भी भाई हार नहीं मानी, अपडेट वगैरह कराया, तो आज सब चीजें फर्स्ट क्लास चल रही हैं। आज मैं भाई इसी राइडिंग की क्वालिटी की बात करने वाला हूँ कि गाड़ी की राइडिंग क्वालिटी कैसी है। काफी लोगों को ये लगता है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो एन आपकी इससे ज्यादा अच्छी है इन कंपेरिजन टू ऑल टर्म्स लाइक भागने में, एवरेज में और मेंटेनेंस वगैरह सब में। तो एक ओवरऑल मैं बताऊंगा, तो जिन चीज़ों में ये अच्छी है उसमें महिंद्रा स्कॉर्पियो अच्छी नहीं है, किन्हीं किन्हीं में महिंद्रा स्कॉर्पियो अच्छी है तो वो टाटा सफारी अच्छी नहीं है। देखो डिपेंड भी करता है हर गाड़ी पे, ठीक है, टाटा सफारी यहाँ पे स्कॉर्पियो की बात नहीं करूँगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि किसी में कुछ खामियाँ होती हैं किसी में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, तो वो चीज़ हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी देखो सबसे पहले अगर मैं आपको इसकी चीज़ बताऊँ ना राइडिंग क्वालिटी की, तो राइडिंग क्वालिटी भाई बिलीव मी काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाती है। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि फ्रंट व्हील ड्राइव है रियर व्हील ड्राइव नहीं है, पेट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता, 4x4 का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, सर्विसेज बहुत महंगी है, तो यार उसके बाद भी देखो मैं एक चीज़ बताऊंगा, टाटा सफारी डिकोर स्ट्रॉम वो सब हमने रखी हैं, मैंने 10 साल गाड़ियाँ चलाई हैं, स्ट्रॉम मैंने बीच में बेच दी थी, बट सबसे बढ़िया क्या लगा उन गाड़ियों का कि भाई गाड़ियों में दम बहुत था। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ देखी होगी कि फॉर्च्यूनर में क्या टक्कर मारी, अभी कुछ दिनों पहले की स्कॉर्पियो एन और टाटा हैरियर की टक्कर हुई, बिल्ड में तो बहुत अच्छी निकल जाती है टाटा सफारी और चलाने के मामले में भी भाई स्कॉर्पियो एन से काफ़ी अच्छी है, 100% बता रहा हूँ। अब कुछ कुछ लोगों को ये चीज़ दिक्कत कर जाएगी, और भाई जो जो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के लवर्स हैं मत देखना वीडियो, तुम्हारी क्लस की बहुत ज़्यादा फुकने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे मत देखना क्योंकि मैं उसकी बुराई भी करूँगा इसे कंपैरिजन के साथ। तो देखो चलने में तो भाई स्कॉर्पियो एन है अच्छी है, बट कंपैरिजन करूँ ना भाई टाटा सफारी में, ये मेरा ओपिनियन है, मुझे ज़बरदस्त लगती है भाई टाटा सफारी। फ्रंट व्हील ड्राइव आती है स्कॉर्पियो, रियर व्हील ड्राइव आती है, उसके बाद भी भाई अगर आप रोलिंग शॉट्स ले लो ना इस गाड़ी के, या आप इसको ड्रैग रेस भी कर लो, तो इनिशियली 19-20 का फर्क रहेगा, शायद स्कॉर्पियो आगे निकल जाए, बट भाई 120 के बाद जो टॉर्क है इसका वो ऐसा स्पिन करेगा व्हील्स को कि अपने आप धीरे धीरे 140 के बाद भाई गाड़ी अपने आप आगे निकल जाएगी आपकी स्कॉर्पियो एन से। तो स्कॉर्पियो एन से पावरफुल इंजन है, इतना भी दमदार नहीं है कि जमीन आसमान का, बट यस भाई मुझे इसका जबरदस्त इंजन देखने को मिल जाता है स्कॉर्पियो एन से मैं कंपेयर करूँ, ठीक है। बाकी 25 लाख अगर आप इसमें देखते हो गाड़ी के अंदर लगाते हो तो 24-24.5 की मिलती है, ऑन रोड डिपेंड करता है कि आप कौन से सेट में हो, तो कहीं ना कहीं हाईलाइट में 25 लाख ही बता रहा हूँ। अगर आप इस गाड़ी को सर्च कर रहे हो तो बस एक हाईलाइट ये है कि जैसे ही आप लोगे ना
तो आपको यार इसकी रीसेल वैल्यू नहीं मिलती है। और मेंटेनेंस भाई देखो यार, हमने पहले भी गाड़ी चलाई है, एल्काज़ार थी मेरे पास, उसकी भी 15-18 हज़ार की सर्विस होती थी, 12-15 हज़ार से नीचे नहीं होती थी। जो भी 20-25 लाख की गाड़ी लोगे तो यार 100% मेंटेनेंस महंगा देखने को मिलेगा। हालांकि अब कुछ जगहों पे थोड़ा सा दिक्कत है कि एम्बियंस में, वो कुछ जगहों पे दिल्ली के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, दिल्ली के सर्विस सेंटर में एम्बियंस की कोई दिक्कत नहीं है। स्टाफ बहुत ही भाई कोऑपरेटिव है, सब चीज़ आपको गाइड वगैरह करेगा। अगर जैसे कि मेरा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरा क्रूज कंट्रोल काम नहीं कर रहा था तो मैंने उनको बोला कि भाई ये चीज़ दिक्कत आ रही है, आप इसको सही करो, तो उन्होंने एक्सेप्ट करा। हालांकि बाद में भी नहीं चला, बट हाँ, अब मेरा क्रूज कंट्रोल प्रॉपर काम करता है। तो वही सब टेक्निकल चीज़ें हैं, अपडेट होती रहेंगी दिन पे दिन वो चीज़ें, अब फिर आपको एक टाइम के बाद दिक्कत नहीं आएगी। इस गाड़ी के साथ उल्टा हिसाब है कि स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं आती गाड़ियों को, टेक्निकल वगैरह में बाद में आती है, लेकिन इसमें आपको स्टार्टिंग में आएंगी, जब अपडेट होता रहेगा धीरे धीरे तो फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। तो अपना टाटा सफारी का थोड़ा उल्टा हिसाब है। बाकी तो भाई गाड़ी जो है सॉलिड चलती है, और मैं सच बताऊं उसमें आपको स्कॉर्पियन में जिप जैप जूप मोड देखने को मिल जाते हैं। इसमें 6 मोड्स मिल जाते हैं, इकोनॉमी, वेट मोड, रफ मोड, सिटी मोड, स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट मोड में गाड़ी भागती है दबा के, ऐसे कहती है कि बस पंजा दबाए रखो, भागने का काम मेरा। और बहुत ज़बरदस्त पंच इंजन देखने को मिल जाता है। पहाड़ों पर भी चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आई मुझे, प्लेन सर्विस में भी भगाने में कोई दिक्कत नहीं आती। और भाई ओवरटेक मतलब कॉन्फिडेंस हर लेवल का, आप देख सकते हो 7 सीटर का ऑप्शन है इस गाड़ी के अंदर फुल्ली। अगर गाड़ी भी भरी हो ना, 7 लोग बैठे हो, लगेज भी भरा हो गाड़ी के अंदर, तो भाई फिर भी आपको अंडर पावर फील नहीं होगी गाड़ी। कहीं भी अगर आप ओवरटेक करोगे तो 100% भाई कॉन्फिडेंस बना के रखेगी गाड़ी। इस लेवल की आपको गाड़ी के अंदर इंजन के अंदर दर्द देखने को मिलता है। 2 लीटर का क्रायोटेक इंजन जो प्रोड्यूस करता है भाई हमारी 167 bhp विद 350 nm ऑफ टॉर्क, कम नहीं होते यार। और उसके बाद भी लोहा इतना जबरदस्त देते हैं, महिंद्रा के गाड़ी में स्कॉर्पियो में इतना लोहा नहीं है ना टोयोटा फॉर्च्यूनर में है कि भाई इस टाटा सफारी के लोहे को कम्पीट कर पाए। वो सबसे अच्छी क्या चीज जो इस गाड़ी का इंटीरियर है और जो इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस है, वो स्कॉर्पियो चूरा लगती है इसके आगे, स्कॉर्पियो कहीं भी स्टैंड नहीं करती है, स्कॉर्पियो बिल्कुल ओल्ड जनरेशन वाली फील देती है, ठीक है। स्कॉर्पियो चौड़ी और अच्छा स्पेस मिल जाता है। देखो ये गाड़ी लग रहा है कहीं से भाई ऐसी ओल्ड स्कूल लगता है कि बस पीछे से वैगन आर का साइज लगा दिया, लाइट बड़ी कर दी, तो वो फील देती है भाई वो गाड़ी। तो ये रोड प्रेजेंस आपको बहुत अच्छी देती है। इस गाड़ी को लोग मुड़ के देखते हैं, बिलीव मी मुड़ के देखते हैं। और जिस हिसाब से रोड प्रेजेंस रात में जल्दी आती है ना, फ्रंट की DRLs की और रियर के कनेक्टेड टेल लैंप्स की, बहुत ही अल्टीमेट लगती है। बाकी मेरे भाई जो प्लान कर रहे हो आप इस गाड़ी को चलाओगे ना, तो देखो लोकल्स में जैसे जहाँ पे मैं गली में रहता हूँ तो वहाँ पे तो आपको एवरेज में खा जाएगी बिल्कुल, ठीक है। लेकिन कहीं ऐसी चलाओगे सिटीज में तो 10 से 12 का इजी आपको एवरेज देखने को मिल जाएगा। हाईवेज पे 16-17 और बिल्कुल 80-90 की क्रूज करोगे तो 24 तक का भी एवरेज आपको दे देगी। तो डीजल में तो हमें पता ही भाई एवरेज की कोई दिक्कत आती नहीं है, तो वो सब चीज़ें आपको एवरेज में इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंजन दमदार है, पिकअप बहुत अच्छा है, गाड़ी में पंच इंजन देखने को मिल जाता है, फॉरवर्ड व्हील ड्राइव देखने को मिलता है, उसके बाद भी अच्छा खासा स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाते हैं। पंच इंजन है और एवरेज भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। कुछ चीज़ें हैं कि भाई जैसे रीसेल वैल्यू नहीं है, वो नहीं है, तो भाई रीसेल के लिए मत ही लो। अब रीसेल अगर आपको करना है तो जैसे मैं रीसेल करता रहता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं वो मेरा ड्रॉबैक है, पर्सनली मैं अपना ड्रॉबैक बता रहा हूँ कि हम 2-3 साल बाद चेंज कर देते हैं, तो इसलिए मुझे दिक्कत आती है। नहीं तो भाई रीसेल नहीं करनी है, गाड़ी को चलाओ। इससे पहले सफारी ही चला रखी है, 10 साल तक पूरी चला रखी है, इंजन कहीं नहीं जाता। बल्कि भाई जो डिकॉर चलाई थी 5 लाख किलोमीटर चलाई थी, तो कौन कहते हैं भाई ऐसे लोग कि भाई टाटा के इंजन ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चलते, 100% चलते हैं, ठीक है। सर्विसेज महंगी होती हैं, थोड़ा एम्बियंस ख़राब है, ठीक है, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ भाई हर जगह कहीं ना कहीं, और किसी बंदे से पर्टिकुलर हो जाती होगी बहस, तो डिपेंड करता है नेचर टू नेचर पे, पर्सन का कैसा है। बाकी सर्विसेज सेंटर अब डे बाय डे इम्प्रूव हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि इम्प्रूव नहीं हो रहे। अगर गाड़ी रखनी है तो 10 साल को रखो और हाईवे पर लेके निकलो इस गाड़ी को। सच बता रहा हूँ, ना स्कॉर्पियो एन भूल जाओ, ना टोयोटा फॉर्च्यूनर भूल जाओ, इस लेवल का आपको गाड़ी फील देगी 25 लाख के अंदर। एक तो आपको इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, कि इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद भी आप बिल्कुल एक उंगली से चलाओगे, गाड़ी हल्की फील होगी, ऐसा फील होगा कि भाई आप ये 7 सीटर नहीं चला रहे, छोटी गाड़ी चला रहे हो, इतनी हल्की फील होगी। उसके साथ साथ ये लैंड रोवर वाली लुक दे दिया यार, ठीक है, सबसे बेसिकली तो टाटा सफारी की लुक ही है यार, किसी की भी लुक नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर ये सब चूरा है, इनके सामने लुक्स के आगे, ठीक है। इंजन रिलायबिलिटी की अब काफ़ी लोग कमेंट करेंगे, इंजन रिलायबिलिटी भाई, इंजन रिलायबिलिटी भी मेरे अकॉर्डिंग तो है।
अब अगर हाथी लिया है तो उसको पालो, ठीक है, उसको ऐसा पालो कि बाद में ये सब चीजें ना बोलो कि यार इतना पैसा खाती है, इतनी महंगी सर्विसेज हैं। तो इससे बढ़िया तो भाई डीजल कह दो गवर्नमेंट वालों से कि भाई हमें डीजल भी फ्री दो, हमें तो बस गाड़ी लेनी है, डीजल गवर्नमेंट देगी, हमें डीजल भी डलवाना। तो कोई लॉजिक थोड़ना है यार, ठीक है। अगर नेगेटिव भी करूंगा, बिल्कुल दिल खोले करूंगा, तारीफ भी करूंगा गाड़ी की, दिल खोल के करूंगा, जो जो इसकी एक्चुअल में तारीफें करने लायक है गाड़ी। और सच्ची में गाड़ी चलने में बहुत जबरदस्त है, उस लेवल के सस्पेंशन है ना इस गाड़ी में, 180 की स्पीड क्यों ना मंगा लो भाई, कॉन्फिडेंस जो देगी ना एकदम भाई, स्टेयरिंग वाइब्रेशन कुछ नहीं है, और क्या धमाकेदार स्टेबल होकर चलती है गाड़ी, बहुत ही जबरदस्त सस्पेंशन सेटअप मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। अब आपको इस लेवल का सस्पेंशन या तो फॉक्स वैगन ही बना रहा है या नहीं तो भाई टाटा ही बना रहा है। आई नो मारुति के, आपकी ह्यूंडई के, सबके सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, बट भाई बिलीव मी, ह्यूंडई, मारुति, फॉक्स वैगन सब चलाई हैं, फॉक्स वैगन के बाद मुझे अब टाटा के सस्पेंशन बहुत अच्छे लगते हैं, बिलीव मी, बहुत जबरदस्त सस्पेंशन हैं, उस लेवल का कॉन्फिडेंस ही बिल्ड करते हैं कि आपको पता भी नहीं पड़ता कि गाड़ी कब 120 130 चढ़ जाती है, ये फील होता है कि यार गाड़ी अभी 60 70 की स्पीड में चल रही होगी, भाई ऐसी गाड़ी है। एक बार स्पोर्ट मोड में वो लगा देता हूँ, ठीक है, स्पोर्ट मोड में तो मतलब ऐसी एकदम भाई करंट उड़ जाता है गाड़ी के अंदर, जैसे कितने वोल्ट का झटका लग गया हो। अब सेकंड गियर में, थर्ड गियर में मैं चला रहा हूँ, ठीक है, कहीं भी चला जाऊँ कहीं भी ऐसा फील होगा। देखो थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये देखो, ये पंच देती है भाई गाड़ी, ठीक है। अब ये दोबारा उठाता हूँ मैं, आपको शायद आवाज़ भी आ रही होगी इंजन की, क्या स्पोर्टी इंजन देखने को मिलता है, आवाज़ ऐसे निकालता है बहुत ही ज़बरदस्त। तो भाई बहुत अच्छा पंच मिल जाता है, और जैसे स्लैंडिंग में अभी हम चढ़ रहे हैं तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इकोनॉमी मोड में लगा लो उसमें दिक्कत नहीं आती, स्पोर्ट तो भाई यूं ही ऐसे ऐसे चलते चला जाएगा, इसके लिए खेल है, पहाड़ों पे चलना लिटरली इसके लिए खेल है। अब ऑफ रोडिंग का इसको टैग नहीं दिया गया, जैसे महिंद्रा थार रॉक्स को ऑफ रोडिंग का टैग दिया है, उसके हिसाब से उसमें फीचर भी आते हैं, तो उनमें भाई 4x4 की रिक्वायरमेंट है। अब 4x4 की इनमें क्यों रिक्वायरमेंट है जब इसके लिए ऑफ रोडिंग के लिए इसको ऑप्शन रखा ही नहीं गया भाई, तो इसमें क्यों 4x4 दे कंपनी, ठीक है। और एक बार चला के देखो, 4x4 भी चला के देखो, ये भी चला के देखो, ऐसे रीजन में चला के देखो, मैं कह दूं 4x4 तो मैं बिल्कुल भी फील नहीं होने का कि भाई गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव चला रहे हैं, इस लेवल का भाई इस गाड़ी के अंदर कॉन्फिडेंस मिलता है यार, एक बार चला के देखो, लॉन्ग ट्रिप पे लेके जाओ, बहुत अल्टीमेट लेवल्स के आपको इसमें सस्पेंशन तो है ही, गाड़ी भागती भी बहुत ज़बरदस्त है, 190, 195, 200 की स्पीड पूरी पकड़ती है गाड़ी, और उसके साथ साथ कंफर्ट, कंफर्ट भी भाई नेक्स्ट लेवल मिल जाता है, कैप्टन सीट्स मिल जाती हैं। पर्सनली देखो ये मेरा मानना है कि प्योर प्लस एस जागा एडिशन एडवेंचर प्लस तक मुझे समझ आती है गाड़ी, बट एकम्प्लिश में ना काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई है, टेक्निकल वजह से गाड़ी कहीं ना कहीं बंद हो जाती है तो क्रेन से उठवानी पड़ी है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, कुछ प्रोसेसर्स वगैरह में कहीं भाई दिक्कत हो गई तो गाड़ी वहीं सीज हो गई, तो एकम्प्लिश में मुझे ऐसा कुछ लोगों की दिक्कत आई है, बाकी क्या पता भाई जिनके पास एकम्प्लिश है वो भी बहुत अच्छी, और जिस जिनके पास एकम्प्लिश है क्या पता उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा हो अभी फिलहाल, तो इस चीज़ को आप कंसिडर कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, बट सबसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है हमारा प्योर प्लस एस डार्क एडिशन, इस गाड़ी को लो और ना आपको 25 लाख की फील ये दे कम से कम 50-60 लाख में, डबल से भी ज़्यादा पैसों का मजा देगी, उस लेवल की गाड़ी चलाने में मजा आता है, कम्फर्ट है और साथ साथ रोड प्रेजेंस और इंटीरियर है। वह स्पोर्ट मोड में लगा देते हैं भाई, और इसको मैं कर देता हूँ पूरा डिजिटल, ठीक है, अब ये स्पीड मीटर होगा डिजिटल, और थोड़ी सी ना आप गाड़ी को स्ट्रेच करेंगे और मैं आपको इसके दिखाता हूँ सस्पेंशंस, और भाई क्या भाग रही है 115 में, मतलब देखो क्या कॉन्फिडेंस दे रही है गाड़ी, ठीक है, और आगे मतलब देखो बिल्कुल चारों तरफ यार खाली है हाईवे, तब जाके मैं शूट कर रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छी खासी भाई सस्पेंशन सेटअप है भाई टाटा सफारी के अंदर, ठीक है, स्पोर्ट मोड में मैंने लगा रखी है, और देखो बिल्कुल खाली भाई, बिल्कुल खाली, 154, 160, देख रहे हो, ये देखो स्टीयरिंग में कहीं वाइब्रेशन है भाई, एनविश लेवल्स भी भाई देख सकते हो आप, डीजल कितना रिफाइनमेंट मिल जाता है टाटा सफारी के अंदर, ना प्लेन भाई प्लेन, ओए होए 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 होए, एसी चल रहा है भाई जब इतनी इतनी भाग रही है, और किस लेवल की भाई स्टेबिलिटी है गाड़ी के अंदर यार, कम ऑन मैन, भाई थोड़ी कम कर ली, ठीक है, लेकिन भाई क्या जबरदस्त सस्पेंशन है भाई साहब, यार मजा आ रहा है, मन कर रहा है, और खींचो, एसी ऑफ कर देता हूँ मैं, जरा एसी ऑफ कर दिया,
थोड़ा सा और खींचेंगे गाड़ी को भी, मतलब देखो इतने पे तो यार 180 तक ही खींच रही हो भी बहुत बड़ी बात है, नहीं तो 185 195 मैंने खींच रखी है भाई, ये देख रखा है भाई क्या सस्पेंशन है। अब इसको लेने के बाद ये प्लेन है भाई, इस टाइम पे कोई अब अपना डिसीजन मेकिंग बना सकता है? अब इस यहाँ पे भगाओ भाई गाड़ी को, क्या फॉर्च्यूनर क्या स्कॉर्पियो सब फेल है इसके आगे हो। अब देखो एसी ऑफ कर दिया, नेक्स्ट लेवल भाई नेक्स्ट लेवल। चलो कम कर लेते हैं भाई, अब थोड़ा सा ना ट्रैफिक आने लग गया। तो भाई अब आपने देखा होगा ये चीज है कि सफारी ना और हैरियर इनको हाईवे पे चलाओ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जो सस्पेंशन साइड है स्टीफर साइड रखे गए हैं, बट जो एक बीच में वो नहीं आता वाउंड टाइप आती इसमें गाड़ी उछलती है, ठीक है, या आप उसको कह सकते हो पिलर्स, गाड़ी ऐसे जंप ले रही थी, मतलब इतने स्टीफर भी फील नहीं हो रहे, सॉफ्टर साइड भी थोड़ा सा लगा और गाड़ी में बिल्कुल भी बॉडी रोल नहीं। भाई इस लेवल के गाड़ी के अंदर सस्पेंशन मिलते हैं जो मैं बता रहा था, एक बार हाईवे पे भगाना भाई, जिनके पास टाटा सफारी है ऑब्वियसली भगा रखी होगी, लेकिन भाई सच बता रहा हूँ गाड़ी को एक बार ले लिया ना कसम से प्लेन जैसे फील दिलाएगी और तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि मेरे पैसे वसूल हो गए। बस मोटा मोटी वही है कि डीजल भाई के ऑप्शन में आता है, पेट्रोल नहीं आता और 10 साल की दिक्कत है और रीसेल वैल्यू होगी, नहीं तो इस गाड़ी ने जिस लेवल पे कॉन्फिडेंस देती है ना ये गाड़ी, सच बता रहा हूँ कोई इस लेवल की कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है इतने प्राइस रेंज में। तो भाई आज देखा होगा आपने टाटा सफारी का पूरा रिव्यू, काफ़ी लोगों ने मेरे पुराने रिव्यू के थ्रू अपना मेकिंग डिसीजन मेकिंग बिल्कुल हटा दिया था इस गाड़ी को कैंसिल करके, अपनी बुकिंग कैंसिल करके, बट यार ऐसा भी मत करो, नेगेटिव पॉजिटिव हर गाड़ी में है, चाहे वो टॉप क्लास की गाड़ी क्यों ना हो, ठीक है। तो आज मैंने बिल्कुल पॉजिटिव बताए हैं, पॉजिटिव भी खोल के बताता हूँ नेगेटिव भी खोल के बताता हूँ, तो डिसीजन मेकिंग आपका काम है। बाकी देखो हाईलाइट्स बहुत जल्दी बता देता हूँ, जैसे टाटा सफारी की है ना मैंने कवर लगा रखा है, एक तो टाटा सफारी की अपडेट होनी चाहिए, डीजल की जगह पेट्रोल वेरिएंट भी आना चाहिए, 4x4 ऑप्शन होना चाहिए, और जिस हिसाब से अब सफारी है, सफारी बहुत पहले से चलती आ रही है, बहुत पुराना मॉडल है इसलिए शायद थोड़ी रीसेल वैल्यू कम है, बट जिसने अब ये गाड़ी चला ली ना तो 100% भाई रीसेल वैल्यू इसकी थोड़ी सी अब कुछ टाइम के बाद थोड़ी ठीक हो जाएगी, अभी तो नहीं है बट कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छे अंदर इंटीरियर्स फीचर्स लुक्स इस प्राइस रेंज में एक आपको लैंड रोवर वाली फील देती है ये गाड़ी, तो उस लेवल का आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है। एंड जो जो भाई प्लान कर रहे हो, मेरा ओपिनियन के थ्रू गाड़ी को 100% लो, अच्छा एवरेज है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं और गाड़ी के डायमेंशंस चौड़ी बहुत है, फॉर्चुनर से भी चौड़ी है, स्कॉर्पियो से भी चौड़ी है, अपने प्राइस सेगमेंट में काफ़ी चौड़ी गाड़ी है, स्पेस भी अच्छा ओवर करती है, तो भाई बिल्कुल भी कैंसिल मत करो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर लो गाड़ी को। और कुछ भी इसके रिगार्डिंग दिक्कत है तो मैंने नेगेटिव सारे कवर कर रखे हैं अपने चैनल पे, पॉजिटिव भी कवर कर रखे हैं, सब जाके आप देख सकते हो। एट लास्ट ये बोलूंगा, जिसको फर्क नहीं पड़ता रीसेल से, जिसको लॉन्ग टर्म के लिए चलानी है तो ये गाड़ी कंसिडर करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्टार्टिंग में टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं बट वो कुछ टाइम के बाद अपडेट हो जाएंगे, तो कंसिडर करो इस प्राइस रेंज में जिसको इन सब चीज़ों से नहीं फर्क पड़ता। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और कुछ भी इस गाड़ी के रिगार्डिंग पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और बाकी क्या है इस गाड़ी का राज, देखो ये है, पहले ही बताया अभी बताया, काफ़ी अफोर्डेबल में आपको देखने को मिल जाती है ये, 499 रुपीज ओनली 200 ml, 1 से 1.5 महीने आराम से चला सकते हो और गाड़ी की शाइनिंग रहेगी ऐसी, लॉन्ग टर्म आपका पेंट मेंटेन रहेगा, सारी डस्ट से प्रोटेक्ट करके रखेगी और यूवी रे से बचा के रखेगी जिससे आपका कलर पेल ना हो। तो इसके लिए अगर आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, वहाँ जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर करें बिना मत जाना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी गाड़ी के साथ अच्छे कॉन्टेंट के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।